निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर महानगर कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में जीत का परचम लहराने के बाद दोगुने उत्साह में। स्थानीय निकाय चुनावों में जीत का परचम लहरा दिया गया है, अब बारी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया। 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रमों की एक फहरिस्त जारी कर दी गई है। कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ जुटने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक में आह्वान किया गया कि पूरी ताकत के साथ जुटें। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिशन के तहत काम करते हैं, एक लक्ष्य को सामने रखकर भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। देखिए, महासंपर्क अभियान के तहत आज महानगर कार्य समिति की बैठक थी। इससे पहले क्षेत्रीय कार्य समिति और इसके मंडल की कार्य समिति और विभिन्न कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक विभिन्न अभियान चलेंगे, जो कि लोकसभा से लेके और फिर विधानसभा और बूथ स्तर तक ऐसे कार्यक्रम हैं। और एक लोकसभा की तैयारी का बिगुल हमारा बच्चों। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मूड में रहती है। लोकसभा चुनाव की रणभेदियाँ बच चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के 9 साल सफलतम 9 साल पूर्ण होने पर संपर्क महाअभियान शुरू किया है, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा। कार्यकर्ता एक मिशन के रूप में काम करता है। कार्यकर्ता का केवल एक ही लक्ष्य है, भारत माता पुनः परम वैभव पर पहुँचे, भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, भारत एक सुख शांति वाला राष्ट्र बने, भारत विश्व का गुरु बने, इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करता है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल कहते हैं, भाजपा कार्यकर्ता सदैव चुनावों के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा उत्साह से लवरेज रहते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थकते। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने दावा किया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में रहती है। माननीय मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, जनता की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। हम हर वक्त जनता के बीच में हैं। अभी हम नगर निगम के चुनाव में जनता के बीच में थे, अब हमारे यहाँ अनेक कार्यक्रम आ गए हैं। हम 9 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी पूरा महीना जनता को 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम जनता को बताने जा रहे हैं, देखिए विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, मोदी जी। प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, योगी जी। आगरा में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता। MLC विजय सेवेरे भी दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को भारी बहुमत से जीतने वाली है, फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। इस नेतृत्व के द्वारा एक कैलेंडर 30 दिन का दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, महाजनसंपर्क अभियान, उस दृष्टि से कार्यक्रम होंगे, पूर्व सम्मेलन होगा, व्यापारी सम्मेलन होगा, जनसभा होगी, है ना, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस होगा, 21 जून को योग दिवस, 25 तारीख को आपातकाल की मीसा में जो बंद हुए थे उनको लोकतंत्र से सम्मान, हर घर संपर्क अभियान, लाभार्थियों के साथ संपर्क अभियान, एक जैसा 30 दिन का कैलेंडर है। उस कैलेंडर के माध्यम से 2024 की तैयारी और मोदी जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, संगठन के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। कार्य समिति की बैठक के दौरान नव निर्वाचित महापौर और पार्षदों का सम्मान किया गया, माला पहनाई गई और चुनावों का पाठ भी पढ़ाया गया। पार्षदों का आह्वान किया गया कि वे पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटें, जिससे प्रचंड जीत हासिल की जा सके। स्थानीय निकाय चुनावों के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और मुकाबला जीत लिया। शानदार बल्लेबाजी स्थानीय निकाय चुनावों में हुई, अब मैदान लोकसभा चुनावों का है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी यानी कि कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों के मैदान में कूदना शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने जा रही है। कैसी बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी करते हैं, कितने कमल खिलते हैं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल तैयारियां
युद्ध स्तर पर की जा रही है, अपने खिलाड़ियों को पूरी तरीके से अप टू डेट किया जा रहा है। अपने साथी अगर दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।